भारत और चीन सीमा पर हुए विवाद में शहीद हुए भारतीय जवानों की शहादत पर अखिल भारतीय छत्री महासभा के कार्यकर्ताओं ने शास्त्री चौक पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में अखिल भारतीय छत्री महासभा के जिला अध्यक्ष रघुनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि चीन के सैनिकों ने धोखे से हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला किया, उसके जवाब में भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत का हर एक नागरिक चीन को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। भारत का कोई भी नागरिक चीन में निर्मित कोई भी सामान नहीं खरीदेगा। इसके लिए महासभा अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करेगा और चीन को मुंह तोड़ जवाब देगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय छत्री महासभा के जिला अध्यक्ष रघुनाथ प्रताप सिंह व महानगर अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा, दूर हट के चलाइएगा, थोड़ा दूर हट के चलेगा। हाँ देखना देखना, दूर से चलाना चले जाओ चले चले प्रताप सिंह। आज चीन ने जो धोखे से हमारे सैनिकों को मार दिया है ईंट और पत्थरों से, उसके अंदर ये क्षमता नहीं थी कि बंदूक और तोप और गोलों से मार सके, धोखे से उन्होंने मारा है। मैं उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तान के सिपाहियों ने, सैनिकों ने भी उनको जवाब दिया ईंट का जवाब पत्थर से। लेकिन हम इस चीज़ का आह्वान करते हैं कि हिंदुस्तान का हर आवाम चीन से मुकाबला लेने के लिए खड़ा है, और हम आज के बाद चीन का कोई भी निर्मित सामान हिंदुस्तान में प्रयोग नहीं होने देंगे। चाहे जिस भी स्तर पर जाना पड़े, सभी व्यापारी भाइयों से घर घर में जा करके हम सबसे निवेदन करेंगे अखिल भारतीय छत्री महासभा की तरफ से कि कोई भी चीन को मजबूत करने के लिए उसके एक भी सामान को न प्रयोग करें। जैसे ऐसे ही आर्थिक संकट में उलझ रहा है, सारा दिमाग दूसरे तरफ डाइवर्ट करने के लिए वो ऐसा कृत्य कर रहा है। भारतवासियों से अपील है कि चीन का कोई सामान न खरीदे, जैसे उनके मोबाइल हो गए, उनके ऐप हो गए, उनके इन्वर्टर हो गए, इनके सारे सामान, कोई खिलौने हो गए, उनका कोई भी सामान प्रयोग न करें। ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, राजू सिंह, महानगर अध्यक्ष, छत्री महासभा गोरखपुर। हमारे देश के वीर सपूतों के साथ जो चीन की सेना ने धोखाधड़ी करके उनका प्रघात हमला किया है, इसका विरोध है और हम लोग इसका विरोध अब लड़ने तक तैयार हैं। उनके सामान की उपयोगिता से लेकर हर स्तर से अपने समाज के लोगों से अपील करते हैं कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, सबको एक ज्ञापन दे के माध्यम से हम लोग करते हैं कि समाज का हर व्यक्ति नीचे से लेकर ऊपर तक, समाज का हर तबका आपके साथ खड़ा है और आप इसका मुंह तोड़ जवाब दें। हर वर्ग आपके साथ है।